Kailash Colony. Station. Doors will open on the left. Please mind the gap. कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. अगला स्टेशन नेहरू प्लेस है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो मेट्रो ट्रेन के दरवाजे बंद होते समय अवरोध उत्पन्न न करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। Next station is नेहरू प्लेस। Passengers are requested not to obstruct the closing of doors. Doing this is a punishable offense. यदि कोई यात्री निर्धारित स्टेशन जिसके लिए उनका टोकन मान्य है से आगे यात्रा करते हैं तो दंड के भागी होंगे। Passengers traveling beyond the destination for which their token is valid shall be liable for fine. नेहरू प्लेस स्टेशन। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। नेहरू प्लेस स्टेशन। डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट। आई एम वेरी लकी। प्लीज माइंड द गैप। मैं बॉम्बे से आई हूं। आई एम वेरी लकी। पूरा परिवार है। मेरे हस्बैंड उधर रह गए सर। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड क्लियर ऑफ द अगला स्टेशन कालका जी मंदिर है। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े यात्रियों से निवेदन है। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the door. क्या पढ़ती हो? अगला स्टेशन गोविंदपुरी है। गाड़ी में और स्टेशन पर जेब कपड़ों से सावधान रहें। नेक्स्ट स्टेशन इज गोविंदपुरी। बेवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स इन द ट्रेन एंड स्टेशन एरिया। गोविंदपुरी स्टेशन। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। गोविंदपुरी स्टेशन। डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट। प्लीज माइंड द गैप। Thank you.
रियासत दरवाजों से हटकर खड़े We stand clear of the doors. अगला स्टेशन हरकेश नगर ओखला है यात्रियों से अनुरोध है कि मेट्रो सुरक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा जांच में सहयोग करें नेक्स्ट स्टेशन इज हरकेश नगर ओखला पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट विद मेट्रो सिक्योरिटी स्टाफ ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेक्स अगला स्टेशन सरिता विहार है कृपया विकलांगों वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को सीट दें नेक्स्ट स्टेशन इज सरिता विहार प्लीज वेकेट द सीट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड सीनियर सिटीजंस एंड लेडीज यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में लैपटॉप मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए सॉकेट उपलब्ध है यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं सॉकेट्स फॉर चार्जिंग ऑफ लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेन पैसेंजर्स सरिता विहार स्टेशन दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे कृपया सावधानी से उतरें सरिता विहार स्टेशन डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट प्लीज दरवाजा से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the door. अगला स्टेशन मोहन स्टेट है लावारिस सामान को न छूए इसकी सूचना पुलिस सुरक्षा कर्मचारी या मेट्रो कर्मचारियों को दें नेक्स्ट स्टेशन इज मोहन एस्टेट डू नॉट टच एनी अनअटेंडेड आर्टिकल इन्फॉर्म द पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ और मेट्रो स्टाफ दिल्ली मेट्रो में धूम्रपान और खान पान करना वर्जित है स्मोकिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट परमिटेड एनीवेयर ऑन द दिल्ली मेट्रो मोहन स्टेट स्टेशन दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे कृपया सावधानी से उतरें मोहन एस्टेट स्टेशन डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट प्लीज माइंड द गैप दरवाजों से हटकर खड़े हों प्लीज स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर्स
अगला स्टेशन तुगलकाबाद है। कृपया गाड़ी में और स्टेशन पर ना थूके। गाड़ी और स्टेशन को स्वच्छ रखने के लिए हमें सहयोग दें। Next station is Tughlakabad. Please do not spit inside the train and station area. Help us to keep trains and stations clean. कृपया अपनी यात्रा के पश्चात टोकन वापस जमा करा दें। टोकन को गैर आधिकारिक रूप से रखने पर 200 रुपए का जुर्माना या भारतीय दंड संहिता अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। Passengers are requested to deposit the tokens after their journey. Unauthorized possession of tokens is an offense with a fine of 200 rupees or prosecution under the Indian Penal Code. तुगलकाबाद स्टेशन दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। तुगलकाबाद स्टेशन doors will open on the left. Please mind the gap. कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Please stand clear of the doors. अगला स्टेशन बदरपुर है। लावारिस या संदिग्ध सामान जैसे ब्रीफकेस, बैग, खिलौना, थर्मस और ट्रांजिस्टर बम हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेशन इज बदरपुर। एनी अनअटेंडेड और सस्पिशियस आर्टिकल लाइक ब्रीफकेस, बैग, टॉय, थर्मस एंड ट्रांजिस्टर कुड बी अ बम। स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय दरवाजों के मध्य में रहें। While deboarding the train, please ensure that you are standing in the center of the exit door. बदरपुर स्टेशन। यह गाड़ी आगे नहीं जाएगी। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया सावधानी से उतरें। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के लिए धन्यवाद। कृपया अपना सामान ले जाना ना भूलें। बदरपुर स्टेशन। दिस ट्रेन टर्मिनेट्स हियर। डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट। प्लीज माइंड द गैप। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद दिल्ली मेट्रो। प्लीज रिमेंबर टू टेक ऑल योर बिलोंगिंग। करने वाले उतर सर एक मिनट 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 सर
मेट्रो सीधा जनपद से यहाँ बाटा चौक पर पहुँची है और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका इंतज़ार करने के लिए काफ़ी संख्या में मंत्री पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा अगर नज़दीक में बात की जाए तो नज़दीक के अंदर ही काफ़ी एक जनसभा का आयोजन किया गया है, काफ़ी बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर पहुँच चुके हैं बाटा चौक मेट्रो स्टेशन पर और उनकी अगुवाई करने के लिए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं और उनके साथ में वेंकैया नायडू जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे और ये तस्वीरें आप सीधे हमारे डीडी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों तक देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी अगुवाई करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब से यहाँ से निकलने के बाद सीधा बाटा चौक से निकलने के बाद प्रधानमंत्री सीधा यहाँ नज़दीक में 12 सेक्टर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जनसभा रखी गई है, वहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे जहाँ पर लोग सुबह से बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री की खासियत है कि वो आम जनमानस से जुड़ते हैं, आम जनमानस की वो बातें करते हैं, क्योंकि जो सीधी सीधी लोगों से जुड़ने वाली बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो सीधा लोगों से बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं क्योंकि उनके हर भाषण में कुछ ना कुछ नया होता है। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ ना कुछ नया होगा, लोग उनकी बातें सुनने के लिए काफ़ी संख्या में फरीदाबाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी लोग उत्साहित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हमारी पूरी टीम चाहे अरुण शर्मा हो या फिर हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल हो, आप तक पल पल की खबरें यहाँ तक दिखा रहे थे और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से बाटा चौक मेट्रो स्टेशन से होते हुए सीधा अब सीधा रैली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ नज़दीक में 12 सेक्टर के अंदर एक रैली रखी गई है। यह हम सबके लिए आज एक ऐतिहासिक क्षण है, फरीदाबाद वासियों के लिए ऑप्शन माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम सबको मिलता है तो ये अवसर हम सबके लिए बहुत सुखद है, एक अच्छी अनुभूति हम सबको है, उमंग और ऊर्जा से भरा हुआ यह पूरा माहौल है और इसमें हम ये निवेदन आपसे जरूर करेंगे कि आप व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने स्थान पर ही इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री महोदय का जब मंच पर आएंगे तो अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि आज इस ऐतिहासिक क्षण पर प्रधानमंत्री महोदय तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्होंने इस बात के महत्व को समझा है कि आप फरीदाबाद के लोग, हरियाणा के लोग, उनकी आवश्यकताएं क्या है और उसी आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने आज यहां आकर अपने कर कमरों से इसका शुभारंभ करने के लिए वो हम सबके बीच में यहां मंच पर पधार रहे हैं। तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर अभिनंदन करें परमाणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके यहाँ मंच पर शुभागमन पर हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच में यहाँ पर आ रहे हैं। आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करतल ध्वनि के साथ। प्रधानमंत्री
साथ ही देवियों सज्जनों, हम इस अवसर पर यहाँ पधारे माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी का, माननीय केंद्रीय शहरी विकास आवास शहरी गरीबी उपशमन तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू जी का, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, केंद्रीय योजना स्वतंत्र प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी का, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल जी का, मंचासीन सभी विभूतियों का और वरिष्ठ अधिकारियों का हम यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करते हैं इस अवसर पर। जबकि बदरपुर फरीदाबाद मेट्रो लाइन का उद्घाटन कार्यक्रम और गति प्रगति रैली में यहाँ प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच में पधारे हैं। हरियाणा प्रदेश और विशेष तौर पर फरीदाबाद वासियों को उनके करकमलों से आज जो अनुपम उपहार मिल रहा है उससे हम सभी अनुभूत हैं। एक और हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज अभिभूत है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उस घोषणा से जो वन रैंक वन पेंशन स्वीकार की गई है, प्रधानमंत्री महोदय की पहल पर उनके लाल किले से किए गए वादे के अनुरूप आज सभी सैन्य समुदाय के लोग इस बात से अभिभूत है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहते हैं इस अवसर पर निश्चित रूप से। और सब हमारे परिवारों के सदस्य जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। हम जानते हैं कि हम 1965 के युद्ध के 50वें वर्षगांठ मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से ये जो घोषणा है उन सब के लिए बहुत हर्ष की बात है। और इस अवसर पर हमारे तीनों सेना के तीनों अंगों के सैन्य अधिकारी और कर्मी सभी यहाँ पर हमारे, जिसमें सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर हवलदार तक मौजूद हैं, ये सभी ब्रिगेडियर मिश्रा, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मेजर जनरल पीएन अवस्थी, ब्रिगेडियर वीके आनंद, कर्नल विनोद कुमार गौड़, कर्नल ऋषभ ऋषपाल सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल एचएस सिरोही, कर्नल केपीएस राणा, कर्नल इशरत नबी, कर्नल बीएस गर्ग, कर्नल राजेंद्र, कर्नल भारद्वाज, कर्नल आर के चड्ढा, सार्जेंट तेजपाल जाखड़, हवलदार गुलिया, आप सबकी जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। भारत सरकार की जो घोषणा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वन रैंक वन पेंशन की, हमारे उन सभी जवानों और सैन्य कर्मियों के लिए एक बहुत सुंदर तोहफा। पिछले 40 वर्षों से भी लंबे समय से जो मांग थी उनकी एक ही पुकार थी कि वन रैंक वन पेंशन के उनके अधिकार को उन्हें दिया जाए। प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू से ये वादा किया था, लाल किले से ये घोषणा की थी और उसे भारत सरकार ने उनके नेतृत्व में स्वीकार किया है और इसकी घोषणा की जा चुकी है। आज उसके बाद इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन ये सभी कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, पूरे सैन्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए ये प्रधानमंत्री महोदय का विशेष आभार। और इनमें शामिल है जैसे कि मैंने बताया सार्जेंट तेजपाल जागड़, हवलदार गुलिया, कर्नल वीपी यादव, कर्नल सुरेंद्र सिंह जी, कर्नल सुहाग, कर्नल रघुवीर, ये सभी पूरे सैन्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय का आभार, उनका अभिनंदन इस अवसर पर कर रहे हैं। इन सबके लिए हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और देवियों सज्जनों, मैं अब निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय शहरी विकास आवास शहरी गरीबी उपशमन और